झूठो कर ले और का दीदी झूठो करे पे आए ए परदेसियों ले पानी पी लो आप मालिक। हाँ तो फिर पानी लेकर गई क्या बेवकूफ जानता नहीं ये कौन है, ये जात की मालिन है। अरे अगर इसके हाथ का पानी पिएंगे तो माल में हमारा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज न तुम मरोगे और न मरण दोगे और न पियोगे और न पीवत दोगे। मंत्री हाँ महाराज सोच समझ के बात करो, हम मालिन के हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं। अच्छा मालिन हाँ जाओ कहना अपनी रानी से अगर पिलाना है तो अपने हाथ का पानी पिलाए। हमारी रानी ना आ रही प्यावे पानी तुम्हें मालिन खा और मान जा तो पेटर को ज्यादा शोक अम्मा तो जाओ कह देना हमारी बात के लिए। हाँ जा करके पी लो और बाहर निकल जाओ छाई जाई मैं जल्दी तुम। अच्छा हाँ माँ हमें पिया तू महाराज तो ऐसे ही है न मरेंगे न मरण देंगे न पियेंगे न पीवन देंगे। वाह महाराज जाओ चलो पृथ्वी को स्वागत। अगर पानी पिलाना है तो अपने हाथ का पानी पिलाएं अन्यथा हम गैर पानी पिले यहाँ से बाग से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है महाराज जा रही है मेरे पिटने को स्वागत सौंप चल जीजी जल्दी। क्या हो गया दंड चली गई क्या हो गया हे रानी बे मेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे बे आपका हाथ का पानी पिएंगे। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे तुम्हारी रानी का हाथ का पानी पिएंगे। मुझे मालूम पड़ता है मेरे हाथ का पानी पीना चाहते हैं कोई बात नहीं है जाओ मुद लोटा जाओ और जाकर के बोल दो परदेसी तुमको अंदर बुलाया है पानी पियाओ। ठीक है और वो किसी ने कहा है कोई बात नहीं है बालन कहती है अगर रानी के हाथ का पानी पिएंगे तो कोई बात नहीं है। आओ संज्ञा को बंद दुख नदियों का जाओ और जाकर के बोल दो परदेसी तुमको अंदर याद किया है और वे पूछे कि रानी साहब कहाँ हैं तो कह देना तीन तख्ते के अंदर आराम कर रही हैं। ठीक है जा रही हूँ चलो बहना जल्दी चलो। महाराज हाँ महाराज बड़ी खुशी की बात है। ए परदेसियों मालिन हाँ क्या हुआ आपको रानी ने अंदर बुलवाया है। तुम्हारी रानी साहब ने अंदर पानी पिलाने अंदर बुलाया है तुम्हें अंदर भीतर चले जाओ तीसरे तख्ता में। अच्छा तुम्हारी रानी देहमती तीसरे तख्ते पर आराम कर रही है। हमारा ठीक है मालिन आप बैठ जाओ हम से मिलेंगे। मंत्री हाँ महाराज महामंत्री हाँ महाराज बड़ी खुशी की बात है रानी देहमती के हाथ का पानी पीने मिलेगा। बिल्कुल महाराज पीवे मिलेगा तो पूरी खा लो प्रॉपर्टी भूख भाई। मगर याद रखना मंत्री सोच समझ के चलना है। बिल्कुल महाराज चलो तीसरे तख्ते पर रानी देहमती आराम कर रही है। चलिए महाराज चलो आ जाओ महाराज आ जाओ आ जाओ चलो महाराज आ जाओ महाराज आ जाओ। मंत्री हाँ महाराज ये पहला तख्ता है हाँ चलो दूसरे तख्ते में देखते हैं। आ जाओ महाराज आ जाओ चले आओ बड़े आओ आ जाओ महाराज जल्दी आओ जल्दी आओ महाराज। मंत्री हाँ महाराज ये दूसरा तख्ता है। हाँ महाराज यूं ना बोल ये देख लो मालिन कहती थी महाराज तीसरे तख्ते में रानी देहमती हाँ देखो बड़ा तेजीब से जाना है। बिल्कुल महाराज क्यों आप जानते हैं बड़ों की इज्जत बड़े ही करते हैं हाँ हो समर के खास मठार चलना है। हाँ महाराज चलो चलो महाराज आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो जल्दी जल्दी चलो आओ महाराज। मंत्री
हमने कहा नहीं कि बड़ों की इज्जत बड़े ही करते हैं। हाँ, छोटे की इज्जत छोटे ही करते हैं। हाँ महाराज, हाँ बड़े की इज्जत बड़े ही करते हैं महाराज, और ऊंटन की इज्जत सारे ऊंट ही करते हैं। ओवर बोलता है मंत्री। हाँ महाराज, हमारे खासने से रानी दहमती ने अपनी कुर्सी को छोड़ दी। नहीं महाराज, तुम तो झूठ बोल रहे हो। मैंने खांसा छोड़ दे तो मेरी खांसी सुन के जब उठी है वो कुर्सी छोड़ गई। अच्छा, तुम्हारे खांसी में तो नाम महाराज, मैंने खांसा बहुत जोर से तभी उठी है मैं खांसी सुन के। अच्छा ठीक है, ये सत्य मंजूर है। चलो महाराज, हाँ बुलवाएगा तुम दिखवा ली हो या हम ही दिखवा दू। रानी दहमती, आज हम तुम्हारे बाग में आए हैं। अरे बोलो मेरी जान, आया ले रुपया खाया पान, पट्टा नहीं था साला, तुक्के में तुक्का फिट लगा देता है। अरे बोलो मेरी जाड़े की रजाई, आया मूंगफली खा लो कहा डोल रही हो मेरी जाड़े की रजाई, और आया मेरी भैया की लुगाई। लगता है ये गूंगी है, बोलती नहीं। क्या तू बुलवा सकता है? तो तू बुलवा के दिखा। अच्छा बुलवा। अरे जी जी पाला गू भैया, आए बच्चा बहन के कहिया। मंत्री मंत्री, इसकी तो बोली क्या मैना है। आज भाई तो तुम्हारी सगी बहन है। और छोर मंत्री मंत्री, तो ये वही रानी दहमती है। ए रानी दहमती, कहिए परदेसी, क्या चाहते हो आप? हम आपके बाग में आए हैं और पानी पीना चाहते हैं। पानी पिला दीजिए। पानी पिएंगे दो घंटा आराम करके सोच चले जाएंगे। आप पानी पीना चाहते हैं? हाँ। लीजिए। मंत्री आखोर, मंत्री आप जानते नहीं हो ये कौन सा हाथ है? ये डेढ़ा हाथ है। अच्छा, बेईज हाथ है जी। कौन सा? माता बहन जाती लेटरिन कर सीधे हाथ का लोड़ा लड़का में डेढ़े के लपाला और पूरी के साला। मंत्री हम डेढ़े हाथ का पानी नहीं पिएंगे। रानी दहमती कहिए परदेसी, अगर पिलाना है इस हाथ का पानी नहीं पिएंगे। और मंत्री हम पानी क्यों पिए? न हमें इसे पूछा ये कौन है, कहां की रहने वाली है, क्या इसका नाम है, हम ऐसे पानी कैसे पी सकते हैं? सुनाओ रानी दहमती, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। रानी दहमती, कौन देश नैयर तेरा? इतना नहीं बोलिए परदेसी कि कौन देश नैयर
की रहने वाली हूँ, ये पूछना चाहते हो? बताओ। समद सिकल पीहर मेरो नरवर सास को गाम, और भीम राजा की लाडली सोधै मंती मेरो। मंत्री ये वही रानी दहमंती है, महाराज वही है जो खोजा पढ़ाई करता था। मंत्री देखिए आए हैं तो पानी तो पियेंगे, समझदार मालूम पड़ती है। ए रानी दहमंती, कई परदेशी लगता है तुम्हें पानी पिलाने का तरीका याद नहीं। क्या तुम्हारे घर में कोई सास ननद नहीं है क्या? इत है बे आई संज्ञा, जब ई पा धरो नरवर में मर गई सास ले। मंत्री परदेशी, जब से कहिए महाराज ये नरवर में आई है इसकी सास खत्म हो गई, तो कोई बात नहीं है, इसीलिए के घर में सास ननद नहीं है, इसलिए से पानी पिलाने का तरीका याद नहीं है। कोई बात नहीं रानी दहमंती, हम पानी पिलाने का तरीका तुम्हें हम बताएंगे, थोड़ी देर के लिए सास समय समझ लो। सास ने समझ लो, थोड़ी देर के लिए तो ससुर मोल समझ लो। खाना तू का पट्टा नहीं, तो ओवर बोलता है, बैठ जाओ।